देखिए, प्रधानमंत्री अब सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं रह रहे हैं, एक वैश्विक नेता के रूप में वो उभर करके आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जो अपने अभी 3 दिन का यात्रा करके समापन करके यहाँ आ रहे हैं, उसमें आप देखे होंगे कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो क्वाड है, लीडर्स समिट है, उसके भविष्य और शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। और ये भाग लेना किसी भी देश के लिए, राष्ट्राध्यक्ष के लिए अद्वितीय होता है, भारत के लिए विशेष करके। उन्होंने अपनी यात्रा को महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक भी की है, राष्ट्र की प्रगति के लिए समर्थन भी मांगा है। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा से हट करके वियतनाम के राष्ट्रपति जी से भी उन्होंने मुलाकात की है और दोनों देशों के संपर्क संबंध के बारे में विचार विमर्श किया है, जिससे यहाँ का व्यापार, संस्कृति, ऐसे क्षेत्रों में हमको सहयोग बढ़ाने की बात है। मोदी जी के संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के शिखर सम्मेलन के संबोधन को दुनिया याद रखेगी, मैं ऐसा समझता हूँ अभी जो बात उन्होंने की है। और इसीलिए खास करके यूएस यात्रा के दौरान मोदी जी के प्रति दुनिया के प्यार को देखकर हम भारतीय खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि मोदी भारत के आन बान और शान है। उन्होंने भारत को लेकर कहा जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि भारत 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश भी है। इस बात से आप कितना सहमत रखते हैं? एकदम हम उनके बातों से 100% सहमति व्यक्त करते हैं, इसलिए कि आज भले हम बड़े बड़े कंपनियों और बड़े बड़े फैक्ट्रियों की बात करते हैं, लेकिन एक समय था जब भारत धर्मगुरु या विश्वगुरु कहलाता था। उस समय यहाँ अपने आप में अपॉर्चुनिटी लोग क्रिएट करते थे। आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उसी का कंसेप्ट है कि छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर को पैसा दे करके, बैंक गारंटी दे करके, सब्सिडी दे करके उसको अपलिफ्ट कर रहे हैं, सो दैट कि अपने पैर पर वो खड़ा हो जाए। तो यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतनी अपॉर्चुनिटी है कि हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को सिद्ध करना है। ये भी बता रहे हैं कि आतंकवाद जिस तरीके से पूरे देश को, पूरे विश्व को बर्बाद कर रहा है, इस पर भी कंसर्न करने की जरूरत है। आतंकवाद से पूरे विश्व में अशांति का माहौल भी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ सब लोगों से आतंकवाद पर विशेष चर्चा करते हैं। आतंकवाद सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, विश्व के लिए खतरा है। और इसमें सिर्फ हिंदुस्तान कोई कार्यक्रम करेगा जिससे आतंकवाद खत्म होगा, वो नहीं है। इसके लिए विश्व बिरादरी को तय करना होगा और उस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत सक्रिय हैं। एक तरफ यूक्रेन जाते हैं, दूसरी तरफ रूस जाते हैं, तीसरी तरफ अमेरिका जाते हैं, पोलैंड जाते हैं, सब देशों में जा जा करके एक मैत्री भाव उत्पन्न करने के लिए और आतंकवाद से लड़ने के लिए सबसे एक आग्रह कर रहे हैं और इस बात को फ्लॉट कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट से भी उन्होंने मुलाकात की है और बोला है कि वहाँ पर जो गाजा में तनाव की स्थिति पैदा हुई, तो उसके लिए भी वो समर्थन देंगे, वहाँ पर शांति रहे क्षेत्रों में। देखिए, भारत आज नहीं, बहुत पहले से शांति का दूत बन के रहा है, विश्व शांति का समर्थक रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की बात यहाँ आती है। वैसी परिस्थिति में आज 100% हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, चाहे फिलिस्तीन का मामला हो या कहीं संसार का मामला हो, उनका कहना है कि युद्ध से किसी समस्याओं का अंत नहीं होता है, आपसी बातचीत विमर्श से समस्या को हम लोग हल कर सकते हैं। इसलिए हर तरह से विश्व में शांति रहे, इसका वो उपाय ढूंढ रहे हैं।